तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप बिना क्रेडिट कार्ड के सामान ईएमआई पे खरीद सकते हैं। अगर आपको फोन, लैपटॉप या कुछ भी सामान ईएमआई पे खरीदना है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप कैसे खरीद सकते हैं। तीन तरीके इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई आप कैसे ले सकते हैं। अब देखो, जो तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और किसी तरह की इधर उधर की कोई भी ऐप मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस ऐप से ईएमआई ले लो या उस ऐप से ईएमआई ले लो, क्योंकि हमेशा से मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं जहां पे बिल्कुल सेफ हो, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका है बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई लेने का, बजाज फिनजर्व ईएमआई। काफी सारे लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं आप लोगों को बताता हूं आपको क्या करना है। भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, बजाज फिनजर्व ईएमआई लिखा होगा, उसके आगे जो लिंक आपको मिलेगा वो आपको ओपन कर लेना है। और उसके आगे क्या करना है मैं आपको अपने फोन में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप बजाज फिनजर्व की वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर ही लिखा आ रहा है चेक प्री अप्रूव ऑफर, तो आपको यहां से ऑफर चेक करना है। लेकिन उसके लिए नीचे पहले आपको बाय मोबाइल फोन्स ऑन ईएमआई, जो सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो बाकी की सारी चीजें हैं, हाउ इट वर्क्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहां पे वो भी लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और क्या फीस एंड चार्जेस हैं, वो आप लोग को एक बार सारी चीजें देख लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेक प्री अप्रूव ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। तो चेक प्री अप्रूव ऑफर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर डाल के, और यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पे गेट ओटीपी कर देना है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी आ चुका है, और जैसे ही मैं ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे लिए जो प्री अप्रूव ऑफर है वो क्या है वो आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट करता हूँ। तो भाई ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ओटीपी डाल के सबमिट किया मेरे सामने ऑफर आ चुका है। करंटली यू डोंट हैव प्री अप्रूव ऑफर, यानी मेरे लिए कोई भी ऑफर नहीं है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ऑफर क्यों नहीं है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी जब हमने प्री अप्रूव ऑफर चेक किया था तो उसके नीचे एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी की 21 एज मैंडेटरी होती है, 21 एज से 60 यानी 60 साल तक के बीच में। तो मेरी जो एज है वो 21 अभी नहीं है, तो इसीलिए मेरे लिए कोई ऑफर नहीं है, आप लोगों के लिए हो सकता है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं, यहां पे आप लोग देख सकते हो ये किसी और का स्क्रीनशॉट है। यहां पे आपको 40,000 का प्री अप्रूव ऑफर दिख रहा होगा। इसके अलावा एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ये किसी और का है, यहां पे आपको 44,000 रुपीस का प्री अप्रूव ऑफर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ऐसे आपको अपना जो है प्री अप्रूव ऑफर चेक करना है बजाज फिनजर्व ईएमआई की वेबसाइट पे। अब आपका जो भी अप्रूव ऑफर आपको मिल जाता है, फॉर एग्जांपल कि आपको 40,000 या 50,000 या किसी भी अमाउंट का मिल जाता है, तब आपको ईएमआई कैसे लेनी है। तो देखो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जहां पे अभी हमने प्री अप्रूव ऑफर चेक किया था वहां पे एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट फीस वगैरह लिखी हुई थी। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं आपको बेसिक पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें चाहिए होंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिल जाएगा, बजाज फिनजर्व ईएमआई का स्टोर लोकेटर, यानी कि जिस एरिया में भी आप रहते हैं आसपास में आपको वहां पे ईएमआई कहां मिल जाएगी। तो आप उस लिंक पे जाएंगे तो वहां पे आप अपनी जो लोकेशन वगैरह डालेंगे तो आपके आसपास के जो भी स्टोर है वो वहां पे आपको बता देगा कि किस स्टोर पे आपको जो है वो ईएमआई मिल जाएगी। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई लेने का। सबसे पहले आपको अपना प्री अप्रूव चेक करना है ऑफर की, आपको ऑफर मिलता है नहीं। अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर मिल जाता है तो सिंपली आप अपने आसपास नजदीकी किसी भी बजाज फिनजर्व के स्टोर पे जाओ, वहां पे वो लोग इसी तरीके से आपका चेक करेंगे और आपकी जो डिटेल्स हैं वो लेंगे और आपको बजाज फिनजर्व का कार्ड बना के दे देंगे। और फिर वहां से आप कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या जो भी आपको खरीदना है। और उसके बाद में जब वो आपको कार्ड दे देंगे तो उस लिमिट का आपको कार्ड मिल जाएगा, और उसके बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी उससे ईएमआई पे चीजें खरीद सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई लेने का।
अब गाइस जो सेकंड बेस्ट तरीका है बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई लेने का वो है फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई। यानी कि देखो फ्लिपकार्ट भी डेबिट कार्ड पे ईएमआई दे रहा है, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फ्लिपकार्ट से आप डेबिट कार्ड के ऊपर भी ईएमआई ले सकते हैं। अब कौन लोग ले सकते हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो फ्लिपकार्ट जो है वो 4 बैंक अकाउंट के ऊपर ईएमआई प्रोवाइड करा रहा है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर आपके पास इन चारों में से किसी एक बैंक अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट है, उसका डेबिट कार्ड आपके पास है, तो आप फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड पे ईएमआई ले सकते हैं। लेने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको जो आपके बैंक में और फ्लिपकार्ट में नंबर रजिस्टर है उससे एक एसएमएस करना होगा। क्या एसएमएस करना होगा आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, आपको 57575 नंबर डायल करना होगा अपने मैसेज सेक्शन में और उस नंबर पे मैसेज सेंड करना होगा कैपिटल लेटर में DCEMI, इसकी फुल फॉर्म बोलूं तो डेबिट कार्ड ईएमआई। आपको DCEMI लिख के 57575 पे भेज देना है और वहां से आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपके आप अप्रूव हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड पे ईएमआई लेने के लिए। तो देखो अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो सारी चीजें एकदम डिटेल में, तो मैंने फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ईएमआई के बारे में एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताई हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप मैसेज सेंड करते हैं आपको रिप्लाई नहीं आता है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो वो डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये दूसरा और बहुत ही बेहतर तरीका है बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई लेने का। तो गाइस थर्ड और बेस्ट तरीका है बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई लेने का, वो है Amazon डेबिट कार्ड EMI। जैसे कि Flipkart डेबिट कार्ड पे EMI प्रोवाइड करा रहा है, ऐसे ही Amazon भी डेबिट कार्ड पे EMI प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन Flipkart 4 बैंक पे दे रहा था, Amazon 6 बैंक पे दे रहा है। कौन-कौन से हैं वो बैंक? Axis बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, फेडरल बैंक और छठा है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर इन 6 में से आपका बैंक अकाउंट किसी एक के अंदर है तो आप Amazon के ऊपर डेबिट कार्ड पे EMI ले सकते हैं। लेने के लिए करना क्या होगा, जैसे कि हमने Flipkart वाले केस में एक मैसेज सेंड किया था, सेम वैसे ही आपको Amazon पे डेबिट कार्ड EMI लेने के लिए एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एक मैसेज सेंड करना होगा। क्या मैसेज है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 4 बैंक का यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है। तो इन चारों में से जो भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है उसके सामने जो भी नंबर लिखा हुआ है, जो भी चीजें लिखी हुई हैं, उसको आप सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल से जो आपके बैंक में और अमेज़न पे रजिस्टर हो। मेरा HDFC बैंक में है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने HDFC बैंक में MyHDFC लिख के जो भी नंबर है उस पे सेंड कर दिया, मुझे वहां से रिप्लाई आ जाएगा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अब देखो फेडरल बैंक और ICICI बैंक का जो नंबर है वो आप लोगों को नहीं दिखा होगा स्क्रीन पे जो मैंने दिखाया था। इस केस में आपको अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करने के लिए बैंक में कॉन्टैक्ट करके पूछना होगा कि आप डेबिट कार्ड पे EMI ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ऐसे आप लोग Amazon पे भी डेबिट कार्ड पे EMI ले सकते हैं। अगर इसके भी बारे में आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने Amazon डेबिट कार्ड पे EMI की भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे Amazon के ऊपर आपको डेबिट कार्ड पे EMI मिलेगी। तो गाइस ये 3 सबसे बेस्ट और सेफेस्ट तरीके हैं बिना क्रेडिट कार्ड के EMI लेने के। देखो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप EMI पे फोन या कुछ चीजें खरीदना चाहते हो तो थोड़ी बहुत चीजें तो भाई आपको करनी पड़ेंगी। ये 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए, आप ट्राई करके देखो तीनों को, 100% आपको कहीं ना कहीं पे तो जरूर आपको बिना क्रेडिट कार्ड के EMI मिल जाएगी। अब देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सेफ और बेस्ट तरीके बताऊंगा जो सबसे सिक्योर होंगे। अभी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि आप क्रेडिट कार्ड के बिना EMI कैसे ले सकते हो, तो आपके सामने बहुत सारी एप्स, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे तरीके आ जाएंगे कि यहां से आप लोन ले लो, यहां से आप EMI ले लो। लेकिन वो चीजें ज्यादा सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, इसीलिए वो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। और मैं हमेशा वही चीज आपको बताता हूं जहां पे सेफ होती है, सिक्योर होती है और जहां पे खुद मैं चीजों को चेक करा हुआ होता हूं कि हां ये चीज सही है कि नहीं है। तो ये थी सारी चीजें, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे आप बिना क्रेडिट कार्ड के EMI ले सकते हैं। मेरी और दूसरी वीडियोस पे भी काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि
भाई आप हमें बताओ कि कैसे हम बिना क्रेडिट कार्ड के ईएमआई ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट और सेफेस्ट तरीके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना और वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा हम और भी चीज़ें कवर करते हैं, लैपटॉप मोबाइल सारी चीज़ें। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और कोई और चीज़ हो तो मुझे उसके बारे में कमेंट भी कर सकते हो।